नमस्कार। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड क्रंच का हलवा, जो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी होता है। तो जो ब्रेड का जो साइड साइड का होता है वो कट करके फेंक देते हैं, तो ये क्रंच को हम कट करके फेंक देते हैं। तो उसी चीज़ का आज मैं हलवा बनाऊंगी, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी और बहुत सारे इसमें विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है। तो ये मैंने सुखा लिया था धूप में और इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, बिल्कुल क्रंच हो चुका, इसको ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए, एक दो दिख रहा है आपको, अच्छी तरह से ग्राइंड करके मैंने रख लिया है। तो चलिए, बहुत इजी और बहुत झटपट बनकर ये हलवा तैयार भी हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी भी लगेगा। कढ़ाई हो गया है गरम। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी में हलवा बना सकते हैं या तेल में, तो मैंने इसमें रिफाइंड में मैं हलवा, अब मैं तेल में बनाऊंगी हलवा। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है इसमें, थोड़ा और तेल डाल देते हैं इसमें, तेल के होने देते हैं गरम। तो ये तेल गरम हो गया रिफाइंड वाला, अब इसमें हम ब्रेड क्रंच डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। इसको हम भून लेते हैं, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। तो जो मैं बना रही हूँ वो प्रॉपर मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ और ना कुछ अलग से मैं बना रही हूँ, जो बना रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। गैस को मैंने लो फ्लेम पर रखा है, देखिए कलर कितना सुंदर और कितना बढ़िया आ रहा है। इसलिए इसको भून लेते, थोड़ा सा इसमें कच्चापन हो या जो भी हो, स्माइल वगैरह हो तो सही हो जाएगा, इसलिए हम भून दे रहे हैं इसको अच्छी तरीके से। वो अच्छी तरीके से भून लिया है, अब इसमें हम डालेंगे दूध, थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी मैंने आधा कप तक इसमें पानी डाला है। अब हम चीनी डाल देते हैं, चीनी इसमें मैंने डाला है आधा कप, आधा आधा कप मैंने डाला है, क्योंकि मोटे दाने वाली चीनी है तो मीठा हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए मैंने आधा कप ही चीनी इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें लगभग मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और दूध मैंने डाला है 1.5 कप और आधा कप चीनी डाला है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 1 कप आप चीनी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे हलवा को, जिससे इसकी गुठलियाँ, लम्स वगैरह जो भी हैं वो सभी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। कोई गेस्ट आया, मेहमान आए, तो कुछ अलग तरीके से हलवा बनाकर आप उनको सर्व कर सकते। अच्छी तरीके से दूध और पानी सूख रहा है, तो ये देखिए कढ़ाई का तले से छोड़ रहा है ये हलवा, तो इसका मतलब ये हलवा पककर तैयार हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं, थोड़ा ही डालेंगे तो खुशबू आने लगेगा इलायची का, इसको इलायची भी हम इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं और ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया ब्रेड क्रंच का हलवा बनकर तैयार है। इसके ऊपर कुछ हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, जिससे अच्छा लगेगा दिखने में और सुंदर भी लगेगा। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए और हैप्पी जन्माष्टमी बोलिए। नमस्कार।